वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा चॉपर जिसकी हर घर को ज़रूरत है। अगर आप परेशान हैं आटा गूंदने के लिए, आपको टाइम लगता है, और अगर आप परेशान हैं वेजिटेबल के लिए, मिन्स मीट के लिए, तो ये चॉपर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसके पार्ट्स और इसके बारे में सब कुछ। तो हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये यूज़र मैनुअल है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। इसके पार्ट्स की इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है, इसमें 2 इयर्स की वारंटी दी हुई है, 2 इयर्स वारंटी। तो आइए इसको खोलते हैं। ये इसका ब्लेड है, स्टेनलेस स्टील शार्प ब्लेड है। जब आप इसको लें तो नहायत ही एहतियात के साथ लीजिएगा, कहीं आपका हाथ ना कट जाए। और इसमें आप ग्रेटर और स्लाइसर भी है इसमें। अब मैं आपको इसकी बॉडी दिखाऊंगी। ये इसकी क्रिस्टल बॉडी है, अगर आप देखें। ये ढक्कन है जार का, और ये इसका जार है, इसका जार है। ये देखें कितना मज़बूत है, बहुत ही अच्छी बॉडी है उसकी। और ये ब्लेड है, आप प्लीज़ जब भी इस ब्लेड को निकालें बहुत ही एहतियात के साथ निकालिएगा। ये चॉपर है, चॉप करता है, मिंस करता है। ये इसके ऊपर रखने का है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब आते हैं हम मशीन पे। ये इसकी मशीन है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी के साथ है, प्लास्टिक बॉडी है, ब्लैक कलर है इसका। और अगर आप देखें तो इसमें जो है वो एग्जॉस्ट के लिए बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, फ़ैन भी दिया हुआ है इसमें। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे अच्छी बात है, कि जब आप इसको रखते हैं तो ये आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टेबल पे रखा हुआ है, तो ये टेबल से अच्छे से स्टक हो जाता है, हिलेगा नहीं आपका, देखिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको यूज़ भी बताऊँगी, इसका डेमो पूरा दूँगी मैं आपको। और ये इसका स्टैंड है, इसको इस तरह से रखेंगे और इसके बाद आप इसकी बॉडी इस तरह से अंदर डालेंगे। ये आप ब्लेड इस तरह से डालेंगे और ये इसको बंद कर देंगे। ये इसका अनदर ब्लेड है जो कि ग्रेटर करता है और स्लाइसर भी करता है, जो कि हम आपको करके भी दिखाएंगे। आज हम आपको मीट का प्रैक्टिकल डेमो दिखाएंगे। ये मैंने काऊ मीट लिया है 1/2 kg। सबसे पहले हम ये स्टेन को प्लेस करेंगे, इसके बाद इसकी बॉडी को प्लेस करेंगे। एक बात हमें ध्यान रखना होगा इसमें, कि इसमें जो बॉडी है उसमें लॉक सिस्टम है, उसको अच्छे से लॉक करना होगा। अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो आपकी मशीन नहीं चलेगी, ये इसका एडवांस फीचर है। इसके बाद ये ब्लेड मैंने फिक्स किया है और इसका कैप, इसके कैप में भी वही चीज़ है, इसमें भी लॉक सिस्टम है, आपको इसको भी लॉक करना होगा अच्छे से। अब मैं इसमें मीट डालूंगी। अब मैं आपको उसको चलाकर दिखाऊंगी, तो प्लीज देखिए।
अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इसका कीमा बन गया है। अब हम आपको स्लाइसर, चॉपर और ग्रेटर का यूज़ बताएंगे। सबसे पहले हम स्लाइसर यूज़ करेंगे, स्लाइसर का इस्तेमाल बताएंगे आपको। इसके लिए मैंने ये तीन पीस लिए हैं, अनियन, पोटैटो और टोमेटो। और स्लाइसर के लिए हम ये वाली ब्लेड यूज़ करेंगे और उसका भी बैक वाला हिस्सा। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। देखिए इसका रिजल्ट। ग्रेटर का यूज़ दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कैबेज ली है और अनियन ली है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको ये वाला पार्ट, होल वाला पार्ट यूज़ करना होगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी कैबेज चॉप हुई है। ये देखिए, अब हम अनियन को ग्रेटर करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से अनियन को किया है इसने ग्रेटर। अक्सर हम लेडीज़ अनियन के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। ये इसका रिज़ल्ट है। हम आपको उसका एंड रिज़ल्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हमने मीट को मिंस किया। ये देखिए कितने अच्छे से इसने मिंस किया है मीट को। तो अब हमें मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मिंस करवाने के लिए, हम घर में ही कर सकते हैं।
ये हमने कैबेज और अनियन को ग्रेटर किया है, देखिए कितनी अच्छी तरह से हुआ है। हम इजीली अपनी सब्जी बना सकते हैं इसके साथ। ये स्लाइसेस किया है, आप देखिए टोमेटो स्लाइसेस, अनियन, और इसके अलावा जो है वो आलू को जो है आप भजिए के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अनियन की स्लाइसेस सैलेड वगैरह किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और टोमेटो की स्लाइसेस देखिए। ओके, थैंक यू।